तो फ्रेंड्स अयोध्या देख सकते हैं आपके बड़े बड़े साधु संत पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं और अपना डेरा जमा चुके हैं अभी पहले से, क्योंकि सभी के मन में उत्सुकता है 22 जनवरी की। जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों के मन में बहुत उत्साह है, इतनी पब्लिक पहुंच गई है वहां पर कि आज से ही पहले से 8 दिन से बहुत लोग पहुँच चुके हैं। और देख सकते हैं कि साधु जी भी बैठी हैं और कुछ ज्ञान की बातें बहुत अच्छी अच्छी बता रही थी। यहाँ पर जो कहानी है यहाँ की, उस कहानी के बारे में बता रही थी। तो हम लोग जाके यहाँ पर कहानी रामलला की सुनने लगे थे, जो कि रामलला जी हैं हमारे यहाँ के, उनकी हम कहानी सुनने लगे कि ये बहुत अच्छे से कहानी विस्तार से हमें बता रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत विस्तार से कहानी बता रही थी और सभी को आशीर्वाद भी दे रही थी। तो बस हम लोग बैठ के वहाँ पर कहानी सुनने लगे और कुछ जाना अच्छी चीज़ें जो राम दरबार के बारे में। और मंदिर में भीड़ हो रही थी इसलिए व्यवस्थाएं भी कर रही थी बैठ के वो, क्योंकि लोग भीड़ लगा के खड़े हो रहे थे चारों तरफ। सभी को आशीर्वाद दे रही थी और कहानी भी रामलला के बारे में बता रही थी कि हमारे रामलला की क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है। सभी को आशीर्वाद दे रही थी बड़ी खुशी से, सबको खुश रहने का आशीर्वाद दे रही थी। और मुझे, मैं बैठी हुई थी तो मैं कहानी सुन रही थी तो मुझे कंटिन्यू कहानी बताती रही और बैठे बैठे बड़ी खुशी से वो, उनको बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अयोध्या में लोग कितने पहले से पहुंच चुके हैं, हमारे साधु संत, बड़े बड़े साधु संत, दूर दूर से साधु संत आके अयोध्या में पहुँच चुके हैं और कुछ साधु संत आ रहे हैं अभी रास्ते में हैं। तो अयोध्या कूच कर लिया है, अयोध्या पहुंच चुके हैं साधु संत, जैसे कि आपने हमारे वीडियो में भी आगे भी देखा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको वीडियो भी मिलेंगे और उससे जुड़ी हुई कहानी भी आपको मिलेंगी सुनने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत अच्छा जाना, जो कि रामलला के बारे में जो कहानी मुझे नहीं पता थी वो भी मैंने जानी, जितना पता था जितना नहीं था पता। तो इन साधु जी ने मुझे बहुत अच्छी कहानी बताई, जो कि इस साध्वी जी थी और यहाँ पर ये पूजा कर रही थी, यहाँ पर सबको आशीर्वाद देते जा रही थी। अयोध्या में बड़े ज़ोर से तैयारियाँ चल रही हैं, अयोध्या में ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं 22 जनवरी की। हमें भी दिवाली मनानी है, जो लोग नहीं जा सकते वो घर पर दीपावली ज़रूर मनाएं और घी के दिए सही मायने में 22 जनवरी को ही जलाएं, क्योंकि हमारे रामलला जी वनवास काट के ही समझ लो इतने सालों टेंट में 500 साल बैठने के बाद भी, मैं बार बार कहूँगी कि वो मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। तो घी के दीपक ज़रूर जलाएं, दिवाली खुशी से ज़रूर मनाएं, धूमधाम से मनाएं, पटाखे फोड़ें, दिवाली मनाएं और बहुत खुशियां मनाएं, जैसे जिस तरीके से आपसे खुशी बने मनाते मनाएं। और यही हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ भीड़ ना बनाएं, अयोध्या में भी भीड़ ना बढ़ाएं, बाद में भी चले जाएं, मंदिर अभी बन रहा है बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है। फ़्लाइट भी चालू हो गई है, फ़्लाइट से भी लोग जा रहे हैं, उसका वीडियो भी हम आपको बहुत जल्दी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मतलब गुस्सा भी कर रही थी साध्वी जी, क्योंकि लोग भीड़ बढ़ा रहे थे बहुत ज़्यादा मंदिर में और वो डिस्टर्ब हो रही थी, वो बता नहीं पा रही थी मुझे बार बार कहानी। तो यही है कि वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और आपको सही मायने में मेरे इसमें जो भी वीडियो होगा उससे जुड़ी हुई कहानी आपको ज़रूर हिस्ट्री पता चलती होगी। तो अयोध्या अगर नहीं जा सकते तो घर में मनाएं, वीडियो को इधर उधर शेयर भी करें, अपने जहां तक आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करें। और बस आपको 22 जनवरी के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हमारे रामलला जी 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं। तो दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, और अयोध्या तो समझ लो दुल्हन की तरह सज गई है। अयोध्या तो देख सकते हैं आप बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है, अयोध्या में हम देख सकते हैं अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। अयोध्या में आप देख सकते हैं रामचंद्र जी से जुड़े हुए कितने पार्ट और कितनी जगह बिल्कुल मूर्तियां बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर अयोध्या सजा हुआ है अभी इस टाइम पे, इतना सुंदर सजा हुआ है कि मतलब देखने लायक है। रात में भी उधर दिन लगता है और दिन में तो दिन लग ही रहा है, तो बहुत ही सुहावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सच ही सही मायने में हमारे रामलला जी बिल्कुल वहाँ पर उतर कर ऊपर से उनके रामलला जी के विराजमान होने के लिए सारे देवतागढ़ जैसे नीचे आ गए हों ऊपर से उतर के, ऐसा लग रहा है अयोध्या में आज इस टाइम पर। तो आप लोग बने रहें और हम कहानी सुन रहे थे, देख सकते हैं अभी बच्चा भी कहानी सुन रहा था रामलला से जुड़ी हुई।
तो लोग यहाँ पर इन साध्वी जी से सुन रहे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पास में आके बैठ गए थे, बहुत भीड़ है तो घूम रहे थे इधर उधर चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये मिली तो हमने इनसे कहानी सुनने लगे और हमें बहुत अच्छा लगा। आप वीडियो को शेयर करें, बने रहें हमारे ब्लॉग में।